Hi friends, I hope you saw the first part of your magical Mandu. If not, here is the link on the top right corner, or you can simply visit my blog, that is www.thetravelblueprint.com. So let's continue with exploring Mandu, or Mando, what local calls it. So we are done with group 1, which was Revakund group. Before moving to group 2, just a request, please subscribe and give your feedback in the comment section. So let's move to group 2. Second group जो है सागर तलाव group. अगर आप मालवा resort में रुक रहे हैं तो मालवा resort भी सागर तलाव group की ही property है. सागर तलाव के अंदर famous जो चीज है वो है दाई का महल. ये वो दाई थी जो सुल्तानों के time पे उनके बच्चों का ख्याल रख. दाई महल के जस्ट सामने है एको पॉइंट. आज भी इस एको पॉइंट से आप अपनी आवाज बड़ी क्लियरली सुन सकते हैं. सागर तलाव ग्रुप में अगला है जो है दाई की छोटी बहन का महल. ये सारे के सारे आसपास है, आप चल के आराम से वॉकिंग डिस्टेंस पे देख सकते हैं. दाई की छोटी बहन के महल के जस्ट बाजू में है कारवांसराय. कारवांसराय आपको देख के लगेगा कि ये मुगलों के टाइम का स्ट्रक्चर है, जो रहवासी या फिर ट्रैवलर्स जो रहते थे हमारे जैसे उनके लिए बनाया गया था. कारवांसराय के जस्ट सामने है मलिक मुक्त मॉस्क, या फिर आप इसे मस्जिद भी कह सकते हैं. अब हो चुकी होगी शाम, सूरज ढलने वाला होगा, तो मांडू का सनसेट पॉइंट देखना बहुत जरूरी है. मेरा मानना है कि ये वन ऑफ द आइकॉनिक सनसेट पॉइंट है. सो जस्ट बी इन टाइम सो यू डोंट मिस द सनसेट इन दिस वैली. मांडू जाना जाता है दो चीजों के लिए, एक है रानी रूपमती पवेलियन और दूसरा है जहाज महल. जहाज महल रॉयल इनक्लेव ग्रुप का हिस्सा है. अगर आप जहाज महल की टेरेस पे हैं तो आपको लगेगा कि ये फ्लोट कर रहा है लाइक अ शिप, क्योंकि जहाज महल के दोनों साइड यानी लेफ्ट और राइट में तालाब. एक साइड मुंज तालाब है और दूसरी साइड कपूर तालाब. इसके लिए इसे जहाज महल कहा जाता है. सुल्तान गयातुद्दीन खिलजी ने 1500 शताब्दी में जहाज महल को बनाया था, और ये जहाज महल एक हरम था सुल्तान का, जिसमें 15,000 औरतें रहती थी. जिस तरीके से ये बनाया गया था, एक साइड तालाब में जहां से पूरे किले का पानी बारिश में आके जमा होता था वो ऊंचा था, बीच में जहाज महल था और दूसरी साइड एक तालाब था. जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता था, जहाज महल के अंदर एक चैनल था जो एक्स्ट्रा वाटर दूसरी तालाब में भेजता था. ये वाटर चैनल के थ्रू जहाज महल के अंदर पानी आता था. जहाज महल के कंस्ट्रक्शन समझने के लिए आपको किसी लोकल टूर गाइड की जरूरत पड़ेगी, जो आपको एंट्री गेट पे इजीली मिल जाएंगे. चलते हैं हम दूसरी तरफ, जिसे बोलते हैं हिंदू पौड़ी. मांडू एक ऐसा किला था जो हिल टॉप के ऊपर बनाया गया था. जो भी बारिश का पानी आता था इसे स्टोर किया जाता था और बाद में साल भर यूज किया जाता था, तो जिसमें हिंदू बावड़ी एक अद्भुत एग्जाम्पल है. हिंडोला महल को कई लोग स्विमिंग पैलेस भी कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स साई वॉल स्लोप. इसे भी सुल्तान गयातुद्दीन में ही बनाया था, बट ये जहाज महल से पहले बना था 1400 शताब्दी में. हिंडोला महल रॉयल असेंबली हॉल था. चलते हैं हम दूसरी तरफ, जिसे बोलते हैं हमाम. हमाम इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट फ्रॉम अ वाटर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. हमाम के अंदर एक आपको कॉम्प्लेक्स वाटर सिस्टम देखने के लिए मिलेगा. हमाम के अंदर दो सेपरेट चैनल थे, जो एक के अंदर कोल्ड वाटर आता था, दूसरे के अंदर हॉट वाटर आता था नहाने के लिए. हमाम मतलब बाथरूम होता है, हमाम इज अ उर्दू वर्ड. ये टर्किश स्टाइल में बनाया गया है और ये सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए था, रॉयल फैमिली के सदस्यों के लिए था. इसकी जो सीलिंग है उस पर एक डेकोरेटिव और ब्यूटीफुल स्टार कट दिया गया है, जो देखने से ऐसे लगते हैं कि तारे चमक रहे हैं. चलते हैं हम दूसरी तरफ, जिसे बोलते हैं चंपा बावड़ी. चंपा बावड़ी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज किया जाता था. Believe it or not, there are four-storied living quarters of palace surrounding this. The final level is at most at the level of Munj Talao.
because of the Champa Bowdy next to it, this living quarters remains cool during summer. जहाज महल के जस्ट सामने मुंज तलाव के बाद एक है जल महल, जिसे वाटर पैलेस के नाम से भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि ये सराउंडेड बाय वाटर है. मुगल एम्परर जहांगीर ने अपनी किताब जहांगीर नामा में इस महल का जिक्र किया था और लिखा था, व्हाट वर्ड्स ऑफ माइन कैन डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ ग्रास एंड ऑफ द फ्लावर. The cloth each hill and dale, each slope and vale. I know of no place so pleasant in climate and so pretty in scenery as Jal Mahal in rainy season. Next is Dilawar Khan Pass. ये रॉयल एनक्लेव्स की सबसे पुरानी बिल्डिंग है जो 14वीं से शताब्दी में बनाई गई थी. अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये आपको हिंदू और जैन टेम्पल से मिलता जुलता लगेगा. दिलावर खान मॉस के आगे ही है नाहर झरोका, जिसे हम टाइगर बालकनी भी कहते हैं.